गुड आफ्टरनून किड्स, हमने अ आ बड़ी ई और छोटी की मात्रा सीखी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे उ की मात्रा, जो हम लिखते थे उसे उल्लू, आज इसकी मात्रा सीखेंगे। तो उ की मात्रा का सिंबल होता है ऐसे छोटा सर्कल बनाकर टर्न करना है, ये उ की मात्रा का सिंबल है। तो उसके कुछ वर्ड्स बनाएंगे, जैसे मुझे लिखना है गुलाब, तो मैं कैसे लिखूंगी गुलाब, पहले ग लिखा, फिर उ की मात्रा बनाऊंगी, फिर ला ब गुलाब। एक वर्ड ऐसा होता है उसे उल्लू भी सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, बट जहां पर व्यंजन में उ की मात्रा ये सिंबल के साथ लगाई जाती है। फिर दूसरा वर्ड बनाएंगे हम गु डी या गुड़िया, तो ये छोटी मात्रा का सिंबल, छोटी उ की मात्रा का सिंबल ऐसा होता है। एक और वर्ड बनाएंगे हम कुटिया, तो पहले मैं क लिखूंगी, फिर उ की मात्रा का सिंबल, फिर आएगा टी, फिर आएगा या कुटिया। फिर एक वर्ड है मुरली, मतलब बांसुरी जो हम बजाते हैं, तो म उ की मात्रा का सिंबल र ली मुरली। तो ऐसे हमें हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक आप अपनी ओपन कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आपको देखा आपने ऐसे ये उ की मात्रा, उसका ये सिंबल, तो ये उ की मात्रा का सिंबल है, हम उसे उल्लू लिखते थे। पहले हम व्यंजन में छोटी उ की मात्रा लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर ऐसे क छोटी उ की मात्रा मतलब कु, फिर ख गु गु चु छु जु झु टू ठू डू डू अणु टू थू दू दू नू पू फू बू बू मू यू रू टू वो शू 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 वो क्षु त्रु ग्नु श्रु। तो आपको ये स्वर व्यंजन के साथ उ की मात्रा लगाने के बाद ये वर्ड्स लिखने हैं। पहला हमारा है पू ल पुल, दू का न दुकान, सा बू न साबुन, कु टी या कुटिया, ब गु ला बगुला, म धू र मधुर, बू डी
या बुढ़िया जा मू न जामुन मू कु ट मुकुट या मू ना यमुना गु ला ल गुलाल फु ल ज डी फुल जड़ी। तो आपको यहाँ पर ये कॉपी करना है और सेम है हमारी नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।